असलकुम क्लास कैसे हैं? आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे सो so, हमारा ये उर्दू अलिफ का लेक्चर है जिसमें हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो है और सिला मिल गया uh, अब हम इसके कुछ सवाल हल करेंगे आज uh, मैं आपको बताऊंगी और आप उसको लिख कर लेकर आएंगे जो कि हम आगे जब आप क्लास में आएंगे तो हम उसे चेक करेंगे सो so, यहाँ पे है तस्वीर के मुताबिक डिब्बों में दुरुस्त हरूफ लिखकर अल्फाज बनाएं और जुमले मुकम्मल करें आपने क्या करना है इसमें आपने ये पिक्चर देखनी है जो तस्वीर है इसको देखना है फिर आपने ये सेंटेंस पढ़ना है हमने डैश की सैड की अब यहाँ पे जो भी लफ्ज आएगा आपने उसके हरूफ लिखने हैं यहाँ पे हरूफ पता है ना आपको हरूफ तहजी अलीफ बे पे ये तक उनमें से जो यहाँ पे हर, वो अल्फ, अल्फाज आएंगे उनके हरूफ आपने इनमें लिखने हैं जैसे कि हमने डैश की सैर की हमने नील की सैर की दरिया नील है ना तो वो वाला नील हमने नील की सैर की यहाँ पे आप नील लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे नून ये लाम नून ये लाम यहाँ पे आप इसका जोड़ लिखेंगे नील और इसका तोड़ आप यहाँ पे लिखेंगे नून ये लाम इसी तरह नेक्स्ट है आसमान पर डैश उड़ रही थी ये क्या बनी हुई है पहले आप तस्वीर देखेंगे चील बनी हुई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आसमान पर चील उड़ रही थी तो फिर आप यहाँ पर हरूफ लिखेंगे चे, ये, लाम, चील अब आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पे कौन से अल्फाज आने हैं ये नील बन रहा है या समुन्दर भी तो हो सकता था वो आपको इस तरह पता चलेगा ये कितने आपको डिब्बे दिए हुए हैं तीन तो यानी कि ये जो वर्ड यहाँ पे आएगा ये तीन हरूफ पे मुश्तमिल होगा अगर आप समुंदर लिखेंगे वो तो चार चार बल्कि पांच हरूफ बन जाते हैं लेकिन हमें तीन वाला चाहिए हमने डैश की सैड की नून ये लाम तो नील आएगा पे आसमान पर डैश उड़ रही थी चील, चील। बच्चों ने डैश की सवारी की अब ये चार डिब्बे हैं तो यहाँ पे किसकी सवारी की हाथी की हे अलिफ ते हे की बानी और ये हाथी बच्चों ने हाथी की सवारी की इस तरह आपने इसको हल करना है पहले आपने तस्वीर देखनी है फिर आपने यहाँ पे अल्फाज लिखने हैं देन वो अल्फाज जिन हरूफ से मिलकर बने हुए वो आपने यहां पर लिखने हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने डिब्बे हैं और यहाँ पे जो भी लफ्ज आप लिखे वो इन डिब्बों पर मुश्तमिल हो यानी अगर तीन डिब्बे हैं तो वो जो लफ्ज है वो तीन हरूफ का होना चाहिए अगर चार है तो वो जो लफ्ज है वो चार हरूफ का होना चाहिए आगे चलते हैं पिंजरे में डैश है तस्वीर में आपको नजर आ रहा है तोता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिंजरे में तोता है जोड़ तोता और तोड़ में हम लिखेंगे तोए तोए अलिफ तोता पिंजरे में डैश है पिंजरे में तोता है बूढ़े शख्स के हाथों में डैश है अब आप यहाँ पे देखेंगे बूढ़ा आदमी जो आ रहा है उसके हाथों में क्या नजर आ रही है आपको लाठी लाठी है बूढ़े शख्स के हाथों में लाठी है अब आप यहाँ पे तोड़ लिखेंगे लाम अलिफे यानी ठे है कि बानी ठे ये छोटी है लाठी बुरे शख्स के हाथों में लाठी है सारा ने गमले में डैश लगाया सारा ने गमले में पौधा लगाया पे वाओ, दाल, अलिफ पौधा सारा ने गमले में पौधा लगाया इस तरह आपने इनको मुकम्मल करना है मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ हमने डैश की सैड की हमने नील की सैड की आसमान पर डैश उड़ रही थी आसमान पर चील उड़ रही थी बच्चों ने डैश की सवारी की बच्चों ने हाथी की सवारी की पिंजरे में डैश है पिंजरे में तोता है बूढ़े शख्स के हाथों में डैश है बूढ़े शख्स के हाथों में लाठी है सारा ने गमले में डैश लगाया पौधा लगाया इस तरह आपने यहाँ पे अल्फाज लिख देने हैं और यहाँ पे उनके हरूफ लिख देने हैं और इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो आप लव चुन रही हैं लिखने के लिए वो इतने ही हरूफ पर मुश्तमिल जितने यहाँ पर डिब्बे बने हुए हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिए हैं आगे चलते हैं एक तो सवाल आपका ये था नेक्स्ट भी हम यही पढ़ रहे हैं इसकी मजीद मिसालें हैं मेरे अबू के पास एक डैश है अब ये क्या बनी हुई है आप इसको गाड़ी भी लिख सकते थे मेरे अबू के पास गाड़ी है लेकिन उसके लिए आपके पास चार डिब्बे होने चाहिए अब यहाँ पे तीन है तो हम तीन वाला कोई लफ्ज ढूंढते हैं जो तीन हरूफ पर मुश्तमिल हो मेरे अबू के पास एक कार्ड है काफ अलिफ रे कार्ड मेरे अबू के पास एक कार्ड है रानी के गले में सोने का हार है अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सोने का हार हे अलिफ रे हार रानी के गले में सोने का हार है तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे अबू के पास एक कार है रानी के गले में सोने का हार है कार में आप यहाँ पे लिखेंगे काफ अलिफ, रे, कार और यहाँ पे लिखेंगे हे अलिफ, रे, हार इसी तरह यहाँ पे आपकी ये वाले मिसालें खत्म हुई अब हम अपना अगला सवाल करते हैं जिसमें है आपको हमने कुछ जुमले दिए हुए हैं सादा जुमले दिए हुए हैं उसको आपने पहले फेल माजी में तब्दील करना है फिर हमने सादा जुमले दिए हुए उसको आपने फेल हाल में तब्दील करना है फिलहाल क्या होता है जैसे कि वो खाना खाता है ये फिलहाल है मतलब अभी खा रहा है हाल में हो रहा है काम माजी क्या है उसने खाना खाया खा चुका है वो उसने खाना खाया ये माजी है जो काम गुजर गया है और आपने ये सादा जुमले इनको फिर माजी में करना है और ये सादा जुमले इनको फिर हाल में करना है जैसे सादा जुमला जो पहला है मौसम बहार में फूल खिलेंगे माजी में हमने क्या किया मौसम बहार में फूल खिले मौसम बहार में फूल खिले माजी में है ना कि खिल गए हुए हैं मतलब अभी नहीं खिल रहे हैं ना ही खिलेंगे वो खिल गए हैं मौसम बहार में फूल खिले तो ये फिर माजी में आएगा बिल्ली दूध पीती है बिल्ली ने दूध पिया ये क्या है फेल माजी है बिल्ली ने दूध पिया इसी तरह अगला सादा जुमला है माली ने पौधों को पानी दिया तो अब हमने इसका फिलहाल बनाना यानी वो अभी काम कर रहा है माली पौधों को पानी देता है ये हाल बन गया इसका माली पौधों को पानी देता है अभी दे रहा है ना ये हाल का काम है ना तो फिलहाल बन गया फिलहाल मतलब वो काम जो इस वक्त हाल में हो रहा है अहमद ने किताब खरीदी अहमद किताब खरीदता है ये फिलहाल बन गया अहमद किताब खरीदता है मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा बोलती हूँ मौसम बहार में फूल खिलेंगे इसका फेल माजी है में फूल खिले बिल्ली दूध पीती है इसका फेल माजी है बिल्ली ने दूध पिया माली ने पौधों को पानी दिया इसका हाल है माली पौधों को पानी देता है अहमद ने किताब खरीदी इसका हाल है अहमद किताब खरीदता है अब हम आगे आते हैं अगले काम की तरफ वो है अल्फाज सबसे पहला लफ्ज है जो वो है अफसुरदा अब मैं भी आपको जुमले बता देती हूँ लेकिन आपने खुद भी बनाने हैं अफसुरदा का मतलब होता है दुखी होना रंज में होना दुख होना हमें किसी बात का अफसुरदा वो मेरे रिजल्ट की खबर सुनकर अफसुरदा हो गई मेरा रिजल्ट अच्छा ना आने पर मेरी अम्मी अफसुरदा हो गई इस तरह का जुमला आपने बनाना है इसका मतलब है दुखी जरखेज का मतलब होता है बहुत अच्छी जमीन होना जिसमें बहुत ज्यादा फसलें उगती हैं। ये जमीन जरखेज है जिसमें अच्छे पौधे उग सकते हैं पाकिस्तान की जमीन जरखेज है हमारे खेत की जमीन सर... जरखेज है ठीक हो गया अब नेक्स्ट है मौसलादार मौसलाधार होता है बहुत ज्यादा मौसलाधार बारिश हो रही है कल से मौसलाधार बारिश हो रही है आप चाहें तो आप मेरे बताए हुए लिखें आप चाहे तो खुद से बना के लिख सकते हैं लेकिन जो खुद से बना के लिखेंगे उनको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा फिक्रमंद होता है किसी चीज की फिक्र होना परेशानी होना मेरी अम्मी मेरी सेहत को लेकर फिक्रमंद है इस तरह सिला मेहनत का सिला मिलता है मेहनत का सिला हमेशा मिलेगा मेरी अम्मी कहती है मेहनत का सिला जरूर मिलता है इस तरह के अल्फाज जुमले आप लोग बनाएंगे और यही आपका सारा काम है जो आपको बता दिया है आपने लिख कर वो काम करके लेके आना है सो फिर हम आपका काम चेक करेंगे